सभी को गुड इवनिंग। विद स्मार्ट वोकैबुलरी सिनोनिम एंटोनिम चल रहे हैं। आज के वर्ड्स बहुत ही स्मार्ट हैं, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है परवर्स, याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत है याद कैसे करेंगे। परवर्स का हिंदी में मीनिंग होता है पथभ्रष्ट। परवर्स मिला है ना? साउंड थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना? थोड़ा थोड़ा मिला के गड़ा भर जाएगा भाई, सारे याद हो जाएंगे। परवर्स पथभ्रष्ट, इसका मतलब जानबूझकर गलत व्यवहार करने वाला। परवर्स पथभ्रष्ट। सिनोनिम देखो इसको, पेटुलेंट। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये देखो पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है बदमिजाज। बदमिजाज होता है, पेटू है, लेटा रहता है, ठीक है, खा खा के पेटू हो गया, लेटा रहता है, कोई काम नहीं करता, तैयारी नहीं करता, इंग्लिश नहीं सीखता, उसका मिजाज बदल गया है, बिगड़ गया है, पेटुलेंट बदमिजाज। नेक्स्ट ऑबस्टिनेट है। ऑबस्टिनेट का मतलब होता है हठी, जिद्दी, जो किसी के ना मानने। ऑबस्टिनेट ये कई बार आ चुका पहले। अब स्टाइल नहीं बना सकता वो। अब स्टैग्नेंट नहीं रहना, ठीक है, स्टैग्नेंट। स्टी अब सती अब स्टी नेट हिंदी में लिख लो ना, अब स्टी नेट अब सटी नेट अब सही स्टी की जगह लिख लो अब स्टी अब सही नहीं है अब स्टी नेट अब सही नहीं है अब सही नहीं अब स्टी नेट जिद्दी है, मतलब अब वो सही नहीं रहता, किसी की बात नहीं मानता, अब स्टी नेट। स्टबन, स्टबन का मतलब भी वही होता है भाई, ये तो जन्मजात ही स्टूपिड है। बोर्न मिनी पैदा हुआ और एस टी यू लगा हुआ है स्टूल स्टूपिड। स्टबन जिद्दी स्टूपिड है, किसी की बात नहीं मानता। अनयील्डिंग है भाई, UNYIELDING। यील्ड का मतलब होता है अच्छी फसल पैदा होना। यील्ड का मतलब होता है मान जाना। यील्ड का मतलब होता है हार मानना, संधि करना। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो हार ना माने, जो किसी के ना माने, ठीक है, अपनी बात पे अड़ा रहे, अड़ियालू। एंड्रीम देखो भाई इसके, कंप्लसेंट आत्मसंतुष्ट होता है भाई, ये पहले आ भी चुका, आत्मसंतुष्ट होता है कंप्लसेंट, ठीक है, कॉम्प्लेंट पिला के 100% नंबर आए, अब वो आत्मसंतुष्ट है। डोसाइल में नहीं होता है विनम्र, विनीत, ठीक है। डोमिसाइल बनाना है तो मजिस्ट्रेट के पास साइन करवाने के लिए जाना पड़ेगा, विनीत रहना पड़ेगा, विनम्र रहना पड़ेगा, वरना डोमिसाइल नहीं बनता, अच्छे आदमी का ही बनता है जिसका सिविल स्कोर अच्छा है। विलिंग सबको पता है, विलिंग मिनी होता है दूसरों की के लिए, मतलब इच्छापूर्वक विलिंग। कंसेंट का मतलब होता है स्वीकार करने वाला, हाँ भरने वाला, स्वीकृति देने वाला, दूसरों में हाँ, दूसरों के साथ मिलकर चलने वाला। कंसेंट में नहीं होता है स्वीकार, तो स्वीकार कर ले, कंसेंटिंग होता है दूसरों की बात स्वीकार करने वाला होता है कंसेंट। एक्सेप्ट कंसेंट, हाँ भरना, स्वीकार कर लेना, वो होता है कंसेंट। पार्टनेस, ये भी नेगेटिव वर्ड है। पार्टनेस नाउन है, ऊपर वाला परवर्स है वो भी नाउन है,
पार्टनर्स का हिंदी मीनिंग होगा दृष्टता, दृष्टता होगी। दृष्ट आदमी कौन सा होता है? जो जो बिल्कुल ही मतलब अकड़ू है, घमंडी है। पार्टनर्स PER इसमें आ रहा है, ठीक है। ये कई बार आया हुआ है वर्ड पार्टनर्स। पार्टनर्स मीनिंग जिद्दी, अड़ियालू, अखड़पन, अकड़ू, फ्लिपेंसी, फ्लिप करता रहता है, कभी अपनी बात पर एक जगह नहीं रुकता, फ्लिप करता रहता है। इसका मतलब छिछोरा है। फ्लिपेंसी का मतलब होता है छिछोरापन, छिछोरापन। नेक्स्ट इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस का मतलब होता है अखड़पन। एक प्रूडेंस होता है, प्रूडेंस, प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट, प्रूडेंट स्टूडेंट होता है, ऑनेस्ट होता है, प्रूडेंस ऑनेस्टी। लेकिन इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस मतलब अखड़पन, बुरे व्यवहार वाला, इम्प्यूडेंस। इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है पर्टनेस से ही रहना, पर्टनेस। तो इसका मतलब होता है अभिमानी, अभिमानी, अभिमान करना। इसमें पर्ट है, इसमें भी पर्ट आया हुआ है। पेटुलेंस, ये तो आया हुआ था अभी, पेटुलेंट आया था। पेटुलेंट मीन क्या बताया था? बदमिजाज, पेटुलेंस बदमिजाजी। एंड्रम देखो इसके, पर्टनेस के, मॉडेस्टी। मॉडेस्ट आदमी कौन से होते हैं? जो बैलेंस बना के चलते हैं भाई, बड़ा मॉडेस्ट बिहेवियर है। मॉडेस्ट का मतलब वो मोड में रहता है। कौन से मोड में रहता है? सही मूड में रहता है, मूड, मूड से मोड बन गया। मॉडेस्टी विनम्र स्वभाव वाला। डिफिडेंस, डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब कॉन्फिडेंस का उल्टा बन गया। कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास होता है, डिफिडेंस होता है दबूपन, संकोच, संकोच होता है डिफिडेंस, संकोच। सबसर्वियंट, सब को सर्व करने वाला, इसका मतलब चापलूस। ये याद कर लेना, बहुत ही कई बार वर्ड आया है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। सबसर्वियंट, सब को सर्व करने वाला, चापलूस। ओबीडियंट तो सबको पता, आज्ञाकारी होता है। अगला वर्ड है परस्पिक्यूटी। परस्पिक्यूटी का मतलब होता है स्पष्टता, ठीक है। एक कौन सी पिक्वस होता है, कौन सी पिक्वस, ये भी स्पष्टता होता है, ठीक है। ओबियस होता है, ओबियस, स्पष्ट, ठीक। लूसिड, लूसिड भी स्पष्ट होता है, लूसिडिटी, स्पष्टता। परस्पिक्यूटी, ये भी नाउन है भाई। सिनोनिम देखो इसका, ट्रांसपेरेंसी, सबको पता है, पारदर्शिता। डिसर्नमेंट, डिसर्न, डिसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को भांप लेना, किसी चीज़ को भांप लेना, किसी चीज़ को देख लेना, स्पष्ट कर लेना, डिसर्नमेंट होता है स्पष्टता। कंसर्न होता है कंसर्न, कंसर्न किसी चीज़ के प्रति हम कंसर्न है, इसका मतलब उस चीज़ की हमें एक एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वही डिसर्नमेंट होता है। कंसर्न, डिसर्न, कंसर्न, डिसर्न। लूसिडिटी भी बताया था, लूसिड, लूसी ग्रे, एक पोएम थी ना लूसी ग्रे, लूसी ग्रे पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो लूसी एक उसकी बेटी का नाम है, ठीक है। लूसी नहीं, उसकी बहन का नाम है, उसकी बहन का नाम उसने लूसी रखा था इस पोएम में, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वो जो जो हमारे नेचर है, उस नेचर में हरे भरे खेतों में, ये फसलों वाले खेतों में वो हमें खड़ी हुई दिखाई देती है, सब जगह उसको वही दिखाई देती है, लूसी। तो लूसिड स्पष्टता। इंटेलिजिबिलिटी, यहाँ लिख देता हूँ, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल का मतलब होता है जो समझ में आ सके, समझ में आ जाने योग्य, ठीक है। इंटेलिजिबिलिटी स्पष्टता। इंटेलिजेंट वाला नहीं है ये, इंटेलिजिबल होता है जो समझ में आ सके, पढ़ा जा सके। एंड्रम देखो इसके, परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स वर्ड तो पता होगा आपको, कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, पेचीदा, परप्लेक्सिटी में नहीं होता, होता है जटिलता, इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी जटिलता होती है, जटिलता, जटिल चीज़ क्या होती है जब समझ में नहीं आती, बड़ी जटिल है, कुटिल है भाई, मुश्किल है, इंट्रिकेसी, इंट्री करना है बहुत, इंट्री, इंट्रिकेसी, इंट्री करना है बहुत मुश्किल है आजकल किसी कॉलेज में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, मुश्किल है, जटिल है। ओब्सक्योरिटी, ओब्सक्योर क्या होता है, ओब्सक्योर में होता है धुंधला, धुंधला, और ओब्सक्योरिटी धुंधलापन, धुंधलापन, ओब्सक्योर। वेगनेस, वी ए जी यू ई, वेग, धुंधला, वी ओ जी यू ई, वोग मेरी फैशन में, आजकल सब इतने फैशन में है कि उनको सच्चाई दिखाई देती, वेग है उसके लिए, वेगनेस हो गया। आगे है परसेवरेंस, देखो परसेवरेंस का मतलब होता है सब जगह फैला हुआ, ठीक है, सब जगह फैला हुआ, व्याप्त, परसेवरेंस, व्याप्त है भाई, लगातार है ना, कंटिन्यूटी है। आप अपने काम में परसेवरेंस दिखाओगे, इसका मतलब आपको, आप लगातार वो काम कर रहे हो, वो होता है परसेवरेंस। पर सेवा, दूसरों की सेवा लगातार करता आ रहा है, उसका फल ज़रूर मिलेगा उसको, पॉजिटिव वर्ड है परसेवरेंस, ये भी नाउन है, ठीक है। सिनोनिम देखो, परसिस्टेंस, परसिस्ट ऑन टॉकिंग, परसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑन लगती है, परसिस्ट ऑन टॉकिंग, लगातार, परसिस्टेंस लगातार, और कंसिस्टेंस भी होता है, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, लगातार होता है, कंसिस्टेंसी, ऐसे ही परसिस्टेंस होता है। एंड्यूरेंस, एंड्यूर, एंड्यूर मीनी सहना, और एंड्यूरेंस लगातार सहने की कला, एंड्यूरेंस, एक ड्यूरेंस, एक ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग, ड्यूरेंस, ड्यूरेंस मीनी कोई चीज़ कितनी देर तक चलती है, एंड्यूरेंस लंबे समय तक चलने वाली, एंड्यूरेंस पावर बढ़ जाती है ना, सहने की क्षमता लगातार। टेनेसिटी, ये अच्छा वर्ड है, टेनेसिटी मतलब दृढ़ता, दृढ़ता होता है टेनेसिटी, ठीक है। टीन है, टीन, टीनेसिटी, टीनेसिटी, ठीक है, इस सिटी में रहकर वह टीन, उसके टीन जैसा हो गया है, दृढ़ता है, मतलब सिटी में है, नई सिटी में उसने टीन की शेड बनाई, और शेड उसको दृढ़ बनानी पड़ेगी, मजबूत बनानी पड़ेगी, तभी रुकेगी, वरना नहीं। टेनेसिटी होता है दृढ़ता। स्टीड फास्टनेस, अच्छा वर्ड है, कई बार आ लिया, स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर, और कोई चीज़ लंबे तक समय तक चलेगी उसको स्थिर रहना पड़ेगा, वो परसेवरेंस दिखाना पड़ेगी। तो फास्ट लगा हुआ है तो ये मत समझना लगातार ये फास्ट तेज चलती है, नहीं, स्टीड फास्ट स्थिर है, रुकी हुई है। एंड्रम देखो इसको, स्लोथ, स्लोथ, स्लोथ बियर, देखा स्लोथ बियर, भालू, जो भालू होता है वो पड़ा रहता है, आलसी, स्लोथ में नहीं, आलसी होता है, आलसी भालू, इसको याद कर लेंगे चौथ से, कई बार कहेंगे भाई आदमी चौथ है, फेटू है, बहुत बड़ा पेट है इसके, कुछ नहीं पड़ता, पड़ा रहता है, वो स्लोथ हो गया। स्टूपर, अच्छा वर्ड है, आ सकता है, स्टूपर का मतलब होता है भाव शून्य, भाव शून्य, स्टूपिड है, स्टूपिड है, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, भाव शून्य है, स्टूपिड ऊपर रहता है, भाव शून्य है, स्टूपर, स्टूपिड ऊपर, स्टूपर। लेथार्जी, एनर्जी का उल्टा है, एनर्जी का उल्टा लेथार्जी, जिसमें कोई एनर्जी नहीं है, भाव शून्य, बिना एनर्जी का, बिना ऊर्जा का, ऊर्जा रहित। इंडोलेंस, अच्छा वर्ड है, इंडोलेंट, इंडोलेंट बिहेवियर होता है ना, इंडोलेंट आलसी होता है, ठीक है, इंडोलेंस, इंडोलेंस आलसपन भाई, इन डोल, इन डो लेंस, डोल नहीं पाता, इन, इन भी नहीं अंदर,
डोल नहीं पाता, कोई भी अंदर आएगा वो डोलेगा नहीं। डोल का मतलब घूमना, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर आने के बाद कोई डोल नहीं सकता, इंडोलेंस मतलब आलस है, आलस। ये आज के वर्ड थे भाई, आपको कैसे वर्ड लगे कमेंट करके बता देंगे। एक नंबर के वर्ड थे आज, कति धासु वर्ड थे आज। आज क्लास में इतना करवाएंगे, बाकी अगली में। थैंक यू।